हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, नया एक फ्री फायर में इवेंट आया है, बनी यागी इवेंट, वंडरलैंड इवेंट। तो उसमें आपको एग कैसे मिलेंगे, तो अगर आप देखिए, आप रिडीम के ऑप्शन में जाते हैं जहाँ स्टोर आता है, तो एग रिडीम कैसे करेंगे सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एग का रिडीम करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो आपको आएगा क्या नाम है, इवेंट के सेक्शन में आएगा। जैसे कैंडीज के लिए आता है तो वैसे ही आएगा। सबसे पहले तो आप आपके लिए आएगा वंडरलैंड प्री रजिस्टर रिवॉर्ड, तो इसको आप कलेक्ट कर लीजिए और क्विक इक्विप भी कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है, तो क्लेम वन आउट ऑफ वन टाइम आ चुका है। तो ये रहा, ये सेकेंड ऑप्शन है वंडरलैंड बनी एक्सचेंज, बनी एक एक्सचेंज का। तो बनी एग तीन टाइप के हैं, एक है ब्लू, एक है रेड और एक है ग्रीन। तो इसमें अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं। ब्लू और रेड को अगर आप एक साथ लेते हो तो दो दो चाहिए आपको, दो दो के, और आपको ये मिल जाएगा, एक क्या नाम है, एक बड़ी एग मिल जाएगा, बड़े वाला। यू आर कलेक्टिंग एग, आप ये 6 बार ले सकते हो, ये बड़ा वाला बनी एग 6 बार ले सकते हो। दूसरा आपको ये ग्रेनेड की स्किन मिल जाएगी 15 एग के साथ, 15 ब्लू एग के साथ। अब ब्लू एग कैसे मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको कैडिस मिलती है, जैसे आपको वेपर मिलते हैं घरों के अंदर गिरे हुए मिलते हैं, घरों के अंदर मिल जाएगी आपको, पड़े हुए मिल जाएंगे ये। जैसे आप वेपन्स लेते हो या सारी चीज़ें आइटम लेते हो, उठाते हो, ये उठाने पर मिलते हैं। आप गेम के अंदर जाओ, गेम खेलो, गन उठाते हो, ऐसी गन के पास ये ब्लू एग भी पड़ा हुआ है, इसको भी उठा लेना। आप ग्लू वॉल उठाते हो, ग्लू वॉल के पास पड़ा होगा, मतलब जैसे आइटम बाकी सारी पड़ी होती है वैसे पड़ा होता है ये, और आप इसको उठा सकते हो। दूसरा अब आता है रेड एग। रेड एग आपको कैसे मिलता है, ये आपको मिलता है लोगों को मारने पे। लोगों को मारने के बाद जो क्रेट बन जाती है उनकी, उनकी क्रेट में जाके ये एग आ जाता है, रेड वाला एग। आप इस एग को लूट सकते हो, तो लोगों को आप मारोगे और उनकी क्रेट से ये एग लूट सकते हो, और उनके क्रेट में आ जाएगा। आप क्रेट खोलेंगे तो रेड एग आएगा, वहाँ से आप लूट सकते हो इसको और आपको रेड एग मिल जाएगा। अब बात आई ग्रीन एग की, तो ग्रीन एग का मेरे को अभी पक्का नहीं पता है कैसे मिलता है। टोकन कैन बी एक्सचेंज फॉर रिडीमिंग रिवॉर्ड्स। तो रेड एग से मैं बता देता हूँ आपको क्या मिलेगा। ब्लू एग से तो आपको इसकी गन की ग्रेनेड की स्किन मिलेगी, रेड एग से मिलेगा आपको पैरासूट, एक पैरासूट मिलेगा, और ग्रीन एग से मिलेगा आपको ये बनी का वो सर पे लगाने वाला, आई गेस स्कूटर बनी हाइट्स हेलमेट, हाँ ये सर पे लगाने के लिए है, बनी का है वो है मास्क, है बनी मास्क। ये आपको मिलेगा 6 एग्स पे, और ये आपको पैराशूट मिलेगा 10 एग्स पे, और ग्रेनेड मिलेगा 15 एग्स पे। तो ग्रीन एग के बारे में हम बता रहे थे, ये मेरे ख्याल से आपको जो आप लास्ट किल करोगे बुया के लिए, बुया के लिए जो आप लास्ट किल करोगे, तो थोड़ा टाइम रहता है गेम खत्म होने में। लास्ट किल जिसको आपने मारा है उसको जाके लूटोगे तो उसके क्रेट में ग्रीन एग निकल सकता है। ये मुझे पक्का पता नहीं है लेकिन मुझे डाउट हो रहा है। अभी मैंने बुया किया तो था लेकिन मैं लास्ट किल को, क्रेट को लूटना भूल गया, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था कि लास्ट में भी हम घूम सकते हैं। अब टाइम इंक्रीज हो गया है, बंदे को मारते बुया नहीं मिल जाता, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ता है फिर बुया मिलता है, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो अपनी जीत को। उस एंजॉय करने की जगह आपको उसके क्रेट में जाके देखना है, ये अभी पक्का नहीं है आप, लेकिन ये करके दे सकते हो। उसकी क्रेट में जाके देखना है और ग्रीन एग को ढूंढना है। उसकी क्रेट में अगर आपको ग्रीन एग मिल गया तो ये शायद बुया के लिए ही होगा। तो यही है गाइस, और ये लास्ट में ये एक आपको पूरा सूट मिलेगा, इसके लिए आपको 15 ब्लू एग चाहिए होंगे, 10 रेड एग चाहिए होंगे और 6 ग्रीन एग चाहिए होंगे। तो बाकी अभी मैं एम सॉरी गाइस, तो मैं आपको अभी ये ग्लू ग्लू ये ग्रेनेड की स्किन लेके दिखा देता हूँ आपको, क्लेम करके दिखा देता हूँ, एक्सचेंज करते हैं। चलिए कंफर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके कंफर्म करते हैं। ओके हो गया। आई एम सॉरी गाइस, ये लॉक हो गया था। चलिए कंफर्म करते हैं। तो ये हमको मिल चुका है एक ग्रेनेड, क्विक इक्विप करते हैं और इसको अब उसमें जाके देखते हैं, कलेक्शन में जाके देखते हैं। एक ग्रेनेड आया होगा हमारा वेपन के अंदर, सबसे नीचे होगा आई गेस। तो ये रहा हमारा एक ग्रेनेड, इक्विप तो हो चुका है। डैमेज वगैरह देख लेते हैं, डैमेज वगैरह कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ मतलब इसमें दिखाता भी नहीं, ग्लू वॉल में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, इसको यूज़ करके भी देखेंगे। तो
तो वो वीडियो अगली वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको इसी एग को रियूज़ करके, और ग्रीन एग और ब्लू एग कैसे लेते हैं, और बाकी सारे एग्स को भी दिखा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आए तो आपको सबसे पहले दिख सके। तो अगली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल गेम के अंदर जाकर दिखाऊंगा कि कैसे कलेक्ट करते हैं सारे एग्स को और इस ग्रेनेड को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।